हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे जो सभी एग्ज़ाम का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप सभी एग्ज़ाम में देखते होंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। जैसा कि आप देख लीजिए, बिहार पुलिस है या फिर दिल्ली पुलिस है, सभी एग्ज़ाम में जो है ये इससे क्वेश्चन आना ही वाला है। जैसा कि SSC हो गया, SSC का CGL हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CGL हो जाएगा, जैसा कि बिहार दरोगा हो जाएगा, जो भी एग्ज़ाम है इस सारे एग्ज़ाम में जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन आना तो फिक्स ही है। दो या तीन क्वेश्चन जो इससे है आ ही जाता है, जैसा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। तो इसमें जो है हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, तो आप लोग इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और प्लीज़ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, देखते हैं सबसे पहले जैन धर्म। तो जैन धर्म की बात किया जाए तो जैन धर्म में जो है इनके तीर्थंकर होते थे। क्या होते थे? तीर्थंकर। और तीर्थंकर किसे कहते हैं? तो तीर्थंकर कहते थे, इसका अर्थ होता है दुख से परे संसार रूप सागर को पार करने वाले को ही क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। इसका जो पहला तीर्थंकर हुआ उसे कहते हैं ऋषि भदेव। उनका नाम क्या था? ऋषभदेव। इसके पहले तीर्थंकर थे, कौन थे? तो ऋषभदेव जो है इनके पहले तीर्थंकर थे, या जैन धर्म का प्रवर्तक भी इन्हीं को कहा जाता है। जबकि इनका जो है 19वां तीर्थंकर, कौन सा तीर्थंकर? 19वां जो है मल्लीनाथ था। कौन था? मल्लीनाथ। कौन था? मल्लीनाथ जो है 19वां तीर्थंकर था। और इसके बाद जो है 24वां तीर्थंकर, 23वां तीर्थंकर कौन था? तो 23 नंबर का पारसनाथ था। कौन था? पारसनाथ। पारसनाथ को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सम्मेद शिखर में। कहाँ हुआ था? सम्मेद शिखर। कहाँ पे हुआ था? सम्मेद शिखर, या इसी को जो है पारसनाथ की पहाड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारसनाथ की पहाड़ी। ये पारसनाथ जो है चतुरायन धर्म दिए थे। कौन सा धर्म दिए थे? चतुरायन धर्म। इन्हें क्या कहा गया? चतुरायन धर्म। चतुरायन धर्म में क्या सब कहा गया? तो चतुरायन धर्म में कहा गया था कि झूठ नहीं बोलेंगे। क्या नहीं करेंगे? झूठ नहीं बोलेंगे। और दूसरी बात कहा गया कि धन संग्रह नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? धन संग्रह नहीं करेंगे। और तीसरी बात कहा गया कि चोरी नहीं करना है। क्या नहीं करना है? चोरी नहीं करना है। ये तीसरा बात था। और चौथा बात कहा गया कि हिंसा नहीं करना है। क्या नहीं करना है? हिंसा, यानी मारधार नहीं करना है। तो ये जो है चतुरायन धर्म कौन दिए थे? तो पारसनाथ दिए थे। कौन दिए थे? पारसनाथ। इसके बाद जो 24वें तीर्थंकर हुए, क्या में तीर्थंकर? 24वें तीर्थंकर जो हुए वो महावीर स्वामी हुए। कौन से हुए? तो महावीर स्वामी हुए। 24वें तीर्थंकर कौन हुए? तो 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी हुए। कौन हुए? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। इन्होंने पंचायन धर्म दिए। कौन सा धर्म दिए? तो पंचायन धर्म। इन्होंने कहा कि शादी उदी नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य जीवन जीना चाहिए। कैसा जीना चाहिए? ब्रह्मचर्य जीवन। जैसा कि उन्होंने पारसनाथ जो दिए थे, चार जो धर्म दिए थे, उन्हीं में इन्होंने एक क्या जोड़ दिया कि ब्रह्मचर्य रहना है। तो इसे जोड़ करके कितना हो गया? पाँच हो गया। इसीलिए इसे क्या कहा गया? पंचायन धर्म कहा गया। इनका जो जन्म था, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में। कहाँ हुआ? कुंड ग्राम। कहाँ है? तो वैशाली में है। कहाँ है? वैशाली में। वैशाली में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का जो नाम है सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इनके पिता जो है ज्ञात्रिक कुल के थे। किस कुल के थे? तो ज्ञात्रिक कुल, यानी कहिए कि ज्ञात्रिक वंश के थे। और इनके माता का नाम क्या था? तो इनके माता का जो नाम है त्रिशला था। क्या था? त्रिशला। त्रिशला ये कहाँ के थे? तो ये जो है लिच्छवी के थे। कहाँ के थे? लिच्छवी। लिच्छवी के राजा चेटक, लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थे। किसके बहन थे? तो चेटक की बहन थे। इसके बाद जो है, जैसे ही इन्होंने महावीर स्वामी को जन्म दिए, इनके बाद जो है एक किसे जन्म दिए? तो महावीर स्वामी को जन्म दिए। और इनकी जो बेटी हुई, क्या हुई? बेटी। इनकी बेटी का नाम था प्रियदर्शनी। क्या नाम था? प्रियदर्शनी। इनकी बेटी का नाम क्या था? प्रियदर्शनी थी। प्रियदर्शनी थी। और इनके दामाद का नाम क्या था? तो इनके दामाद का नाम जमाली था। क्या था? जमाली। जमाली नाम था इनके किनके तो दामाद का। भाई का नाम, भाई का नाम क्या था? तो इनके भाई का जो नाम था, भाई का नाम था नंदीवर्मन। क्या नाम था? नंदीवर्मन। इनके भाई का नाम नंदीवर्मन था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का जो नाम है यशोदा था। क्या था? यशोदा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और ये कितने साल में जो है घर छोड़ दिए? तो 30 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में छोड़ दिए। और 12 साल कठोर तपस्या। कितने साल कठोर तपस्या किए? तो 12 साल कठोर तपस्या करने के बाद इन्हें जो है जाम्बिक ग्राम में, कहाँ मिले? जाम्बिक ग्राम। कहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो जाम्बिक ग्राम में जो है
साल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, और बगल में नदी कौन सा था, तो नदी का नाम था रिजुपूरक, रिजुपालिका नदी, कौन सा, तो रिजुपालिका नदी, इन्हें जो है रिजुपालिका नदी के तट के किनारे और साल वृक्ष के नीचे जो है 30 वर्ष की अवस्था में 12 साल तपस्या करने के बाद जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया, तो पहला उपदेश जो है इन्होंने दिए थे राजगीर में, कहाँ दिए थे, राजगीर में अपना पहला उपदेश दिए थे। जबकि अंतिम उपदेश कहाँ दिए, तो अंतिम उपदेश जो है पावापुरी में दिए, कहाँ दिए, पावापुरी में, पावापुरी में जो है इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिए थे। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, क्या हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो इन्हें कहा गया कैवल्य, क्या क्या कहा गया, कैवल्य, कैवल्य। और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद ही इन्हें जो है जैन कहने, इन्हें जो है कैवल्य कहा गया, या इन्हीं को जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलीन, क्या कहा गया, कैवलीन या जीन कहा गया, क्या कहा गया, जीन या निग्रोथ कहा गया, क्या कहा गया, निग्रोथ कहा गया। जीन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रोथ का अर्थ होता है बंधन से मुक्त, क्या होता है, बंधन से मुक्त होता है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने कौन सा धर्म दिए थे, तो पंचायन धर्म दिए थे। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न भी दिए थे, क्या दिए थे, त्रिरत्न। इनका जो है त्रिरत्न क्या था, तो इनका त्रिरत्न था सम्यक ज्ञान, क्या होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को सम्यक ज्ञान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, और सम्यक विश्वास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सम्यक विश्वास, सम्यक विश्वास। और तीसरा कहा कि सम्यक आचरण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो सम्यक आचरण होना चाहिए। तो ये इनका क्या था, तो ये इनका त्रिरत्न था। महावीर स्वामी जो है ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे, किसे नहीं मानते थे, तो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे, अस्तित्व को नहीं मानते थे, जिसके कारण ये जो है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। किसमें विश्वास नहीं करते थे, मूर्ति पूजा, किसमें, मूर्ति पूजा या कर्मकांड, कौन सा, कर्मकांड में भी ये विश्वास नहीं करते थे। इन्होंने पुनर्जन्म को माना, किसे माना, तो पुनर्जन्म को, किसे माना, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म को क्या किया इन्होंने, पुनर्जन्म को जो है माना। पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण जो इन्होंने बताया, वो बताया आत्मा को, किसे बताया, आत्मा को। इन्होंने कहा कि आत्मा को सताना चाहिए, क्या करना चाहिए, आत्मा को सताना चाहिए। इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल सकती है, यानी जब मोक्ष मिल जाएगा तो व्यक्ति क्या क्या होगा, तो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाएगा, यानी फिर से दोबारा उसका जो है जन्म नहीं होगा। नेक्स्ट बात कहे कि महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिए, कहे कि अहिंसा नहीं करना है, अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिए, अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिए, जिसके कारण जो है उन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिए। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वा, इनका जो सारा उपदेश है वो किस पुस्तक में है, तो वो है 14 पूर्वा नामक पुस्तक में, किसमें है, 14 पूर्वा नामक पुस्तक में जो है संग्रहित किया गया है। और जो भी जैन धर्म को मानता है, वे सारे लोग जो है कृषि नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, खेती नहीं करते हैं, और युद्ध भी नहीं करते हैं। महावीर स्वामी जो है अपने धर्म का जो उपदेश देते थे वो किस सब भाषा में देते थे, तो वो देते थे प्राकृत भाषा में, किस में देते थे, प्राकृत भाषा में। लेकिन जब इनकी मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में, कब हो गई, 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हो गया, तो इनके सबसे जो प्रिय शिष्य थे उनका नाम था भद्रबाहु, क्या नाम था, भद्रबाहु, और दूसरा जो था उसका नाम था स्थूलबाहु, क्या नाम था, भद्रबाहु और स्थलबाहु जो थे इनके प्रिय शिष्य थे। मौर्य काल में मगध पर जो है 12 वर्षीय, एक बार क्या हुआ कि मौर्य काल में अकाल आ गया, 12 वर्ष का अकाल आ गया, जिसके कारण जो है इनके जो शिष्य थे भद्रबाहु, कौन थे, भद्रबाहु, भद्रबाहु और कुछ कुछ जो है अपने साथ साथियों को लेकर, जैसा कि एक राजा भी चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य भी इनके साथ कहाँ चले गए, तो इनके साथ कर्नाटक चले गए, कहाँ चले गए, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में, कहाँ चले गए, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में, श्रवण बेलगोला चले गए। और यही जो है चंद्रगुप्त मौर्य अपना जो है प्राण संलेखना विधि से, किसके विधि से, संलेखना विधि से अपनी प्राण को त्याग दिया, श्रवण कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने प्राण को त्याग दिए। तथा जैसे ही मतलब अकाल का समय खत्म हो गया, ये भद्रबाहु पुनः लौट करके आ गए, कहाँ, मगध आ गए, कहाँ आ गए, मगध आ गए। और जबकि स्थलबाहु जो है अपने जो उनके साथी थे, वो सभी साथियों के साथ जो है कहाँ रह गए, मगध में ही रह गए थे, लेकिन भद्रबाहु जो है कर्नाटक चले गए थे। जब अकाल का समय खत्म हो गया तो भद्रबाहु पुनः कहाँ पहुँच गया, मगध में पहुँच गया, जिसके कारण दोनों में जो है मतभेद हो गया, दोनों में क्या हो गया, मतभेद हो गया, भद्रबाहु और स्थलबाहु दोनों में जो है मतभेद हो गया।
मतभेद हो गया। अब जैसे ही मतभेद हो गया, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहने लगे, जो भद्रबाहु के नेतृत्व में थे। किसके किसके नेतृत्व में? भद्रबाहु। और एक क्या था? तो एक का नाम था स्थूलबाहु। क्या नाम था? स्थूलबाहु। भद्रबाहु के लोग जो है निर्वस्त्र रहने लगे। कैसे रहने लगे? निर्वस्त्र, निर्वस्त्र, यानी ये लोग जो है कपड़ा उपड़ा नहीं पहनते थे, जबकि ये लोग जो है स्थल बाहु वाले लोग ये श्वेत कपड़ा पहनते थे। क्या पहनते थे? श्वेत कपड़ा पहनते थे। और दोनों क्या हो गया? एक दूसरे से अलग हो गया। तो भद्रबाहु के नेतृत्व वाले जो लोग निर्वस्त्र रहते थे, इसे कहा गया दिगंबर। इसे क्या कहा गया? दिगंबर कहा गया। क्या कहा गया? दिगंबर। और वे श्वेत कपड़ा पहनते थे, इसीलिए इसे क्या कहा गया? तो श्वेतांबर कहा गया। क्या कहा गया? श्वेतांबर कहा गया। और दोनों जो है अलग अलग हो गया। जैन धर्म के विस्तृत, यानी इसका जो है प्रचार प्रसार करने के लिए दो जैन संगीतियाँ हुआ था। कितने? दो जैन संगीतियाँ हुई थी, दो बार हुआ था। जैसा कि एक बार हुआ था 300 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। कहाँ हुआ था? तो पहला जो है पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व हुआ था। और इस समय जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, वो कर रहे थे स्थूलबाहु। कौन कर रहे थे? स्थूलबाहु। इसकी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलबाहु थे। और इसी समय जो है एक भद्रबाहु एक पुस्तक लिखा, जिसका नाम था 12 अंग। क्या नाम था इसका पुस्तक का नाम? 12 अंग नामक पुस्तक को लिखा गया। जबकि द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था, ये हुआ था आपका, ये छठी शताब्दी में हो गया था। कब हो गया था? छठी शताब्दी में हुआ था ये द्वितीय बौद्ध संगीति, जैन संगीति। और ये कहाँ हुआ था? तो ये गुजरात के वल्लभी में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के वल्लभी में। दूसरा गुजरात के वल्लभी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता किए थे, क्या किए थे? अध्यक्षता करने वाले थे देवाधीश रमन। क्या नाम था इनका? देवाधीश रमन। क्या नाम था इनका? देवाधीश रमन नाम था। उसी समय जो है एक संगति का एक पुस्तक लिखा गया, जिसका नाम था 12 उपांग। क्या नाम था? 12 उपांग। जबकि पहली अध्यक्षता में एक पुस्तक लिखा गया, जिसका नाम था 12 अंग। क्या नाम था? 12 अंग। और दूसरा जो पुस्तक था उसका नाम था 12 उपांग। अब देखिए, इससे जो है कुछ संबंधित चिन्ह को भी दिखाया गया है, जैसा कि ऋषभदेव को जो है किसके द्वारा दिखाया गया है? तो ये दिखाया गया है आपको वृषभ के द्वारा। किसके द्वारा? वृषभ। वृषभ मतलब होता है सांड, यानी सांड के द्वारा दिखाया गया है। जबकि पारसनाथ को जो है सर्प का फन के द्वारा दिखाया गया है। सर्प के फन के द्वारा जो है इसे दिखाया गया है। जबकि महावीर स्वामी को किसके द्वारा दिखाया गया? तो ये जो है शेर के द्वारा दिखाया गया है। किसके द्वारा? शेर के द्वारा। अब जो है इसमें कुछ मंदिर भी बनाया गया था, जैसे कि प्रमुख जैन मंदिर कौन कौन सा है ये देख लेते हैं। जबकि जैन धर्म का जो है सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो इसका जो केंद्र था उसका नाम था मथुरा। मथुरा जो है जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। जबकि कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया। किसका मंदिर? तो गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया, जिसे ही क्या कहा जाता है? तो बाहुबली का मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाहुबली का मंदिर। जबकि एमपी में जो है चंदेल शासक, कौन सा शासक? चंदेल शासकों ने खजुराहो, कौन सा जगह? तो खजुराहो में जो है जैन का मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर बनवाया? खजुराहो में। कौन है? खजुराहो में। जबकि खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है। जबकि अजंता, कौन सा जगह? तो अजंता जो है ये हिंदू बौद्ध जैन तीनों का पवित्र स्थान है। तो अब देखिए बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। अब देखिए बौद्ध धर्म क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक था, इनका नाम क्या था? महात्मा बुद्ध। क्या नाम था इनका? महात्मा बुद्ध। इनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। क्या नाम था? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और इनके पिता का जो नाम था वो क्या नाम था? शुद्धोदन। क्या नाम था? शुद्धोदन। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो शुद्धोदन नाम था। और इनके माताजी का जो नाम था, उनके माता का नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया। लेकिन जैसे ही इनको जन्म दिया, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, एक सप्ताह के बाद जो है इनकी माता का क्या हो गई? तो मृत्यु हो गई। तो फिर इनका जो है पालन पोषण कौन किया? तो इनका जो है पालन पोषण इनकी मौसी, कौन की? इनकी मौसी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी जो है इनका पालन पोषण किया, क्योंकि जो है जन्म के एक सप्ताह के बाद ही इनकी क्या हो गई थी? तो इनकी माता की जो है मृत्यु हो गई थी। इनका घोड़ा का नाम क्या था? तो घोड़ा का नाम जो है कंतक था। क्या था? कंतक था। जबकि इनके सारथी का नाम था
सारथी का नाम था चन्ना, क्या नाम था इनके सारथी का नाम चन्ना था, और इनके जो पत्नी थी, इनकी जो पत्नी थी इनका नाम क्या था, तो इनकी नाम इनका नाम जो है यशोधरा था, क्या नाम था यशोधरा, और इनकी जो शादी है ये 16 वर्ष की अवस्था में ज़बरदस्ती करा दिया गया था, क्योंकि ये जो थे शादी करना नहीं चाहते थे। और इनके बेटा का नाम क्या था, तो इनके बेटा का नाम राहुल था, क्या नाम था राहुल था, राहुल का मतलब होता है शोक। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है नेपाल के लुम्बनी में हुआ था, कहाँ हुआ था नेपाल के लुम्बनी में जो है इनका जन्म हुआ था। और इनका कुल कौन सा था, तो इनका जो कुल है शाक्य कुल था, कौन सा कुल था शाक्य कुल था। और इनका जन्म जो है कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था, कब हुआ था तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु जो है ये 483 ईसा पूर्व में, कब हो गई 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की अवस्था में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। महात्मा बुद्ध को जो है तथागत, क्या कहते हैं तथागत भी कहते हैं, या फिर कनक मुनि, क्या कहेंगे इन्हें कनक मुनि, या फिर शाक्य मुनि, क्या कहेंगे शाक्य मुनि भी कहते हैं, या फिर इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, क्या कहते हैं लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जो है इन्हें जाना जाता है। ये अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान व्यक्ति जीवन के चार अवस्था को देखे, कितने अवस्था को देखे तो चार अवस्था को देखे। इसमें कौन कौन सा अवस्था था, तो इन्होंने वृद्ध अवस्था देखा, क्या देखा वृद्ध अवस्था देखा, फिर इन्होंने देखा बीमार व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति देखा तो बीमार व्यक्ति देखे, और फिर जो है एक मरे हुए व्यक्ति का शव देखे, क्या देखे मरे हुए व्यक्ति का शव, और फिर एक जो है सन्यासी को देखे, क्या देखे सन्यासी को देखे, जिसमें जो है सन्यासी को ये बहुत ज़्यादा खुश देखे, और इनके मन में भी जो है वैराग्य उत्पन्न हो गया, क्या हो गया वैराग्य उत्पन्न हो गया, अर्थात इसे भी जो है ये दुनिया का मोह माया छोड़ने के लिए ये जो है तत्पर हो गए थे, यानी ये इसके मन में भी आ गया कि हम जो है अब घर द्वार छोड़ देंगे। और ये जो है 29 वर्ष की अवस्था में, कब 29 वर्ष की अवस्था में जो है अपने घर से बाहर चले गए, अर्थात घर को जो है छोड़ दिए। और इन्होंने अलार कलाम, कौन सा अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन का ज्ञान लिए, किससे लिए सांख्य दर्शन का ज्ञान किससे लिए, तो अलार कलाम से लिए, और अलार कलाम से लिए, जबकि योग दर्शन, कौन सा दर्शन तो योग दर्शन, योग दर्शन का शिक्षा जो है इसने किन से लिए, तो ये लिए रुद्र कलाम से, किससे लिए रुद्र कलाम से लिए, किससे रुद्र कलाम से लिए, और फिर इन्हें ही जो है रुद्र कलाम को ही जो है इन्होंने अपना गुरु माना। और महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ, कितने मित्रों के साथ, तो 5 मित्रों के साथ जो है, 5 मित्रों के साथ जो है मृगदाव वन में लगभग 6 वर्षों तक, कितने वर्षों तक 6 वर्षों तक जो है कठोर तपस्या करने के बाद, कठोर तपस्या करने के बाद इसी वन में एक कन्या मिलती है, और इन्हें कहते हैं कि वीणा को इतना ना खींचो कि वह टूट जाए, वीणा को इतना ना खींचो कि वह टूट जाए, और इतना कम भी ना खींचो कि वह क्या हो वह बजे ही नहीं। ये एक इन्हें जो है एक कन्या कहती है। इसके बाद जो है ये इस बात को सुन करके और चले जाते हैं गया, फिर उन्हें जो है इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति कब होता है, तो ज्ञान की प्राप्ति जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन, कब होता है वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है पीपल वृक्ष, कौन सा वृक्ष था तो पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, कौन सी नदी निरंजना नदी, या इसी को कहते हैं फल्गु नदी, कौन सी नदी फल्गु नदी के तट पर जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जो है ये महात्मा बुद्ध कहलाते हैं, और जिस वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है वो बोधि वृक्ष वृक्ष कहलाता है, क्या कहलाता है बोधि वृक्ष कहलाता है। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही इनका नाम क्या हो जाता है, तो महात्मा बुद्ध हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ गए, कहाँ गए सारनाथ, जैसे ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई ये कहाँ चले गए, तो सारनाथ चले गए, और जहाँ उन्होंने अपने 5 मित्रों को उपदेश दिए, कितने मित्रों को उपदेश दिए तो 5 मित्रों को उपदेश दिए। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश था, पहला उपदेश उन्होंने किसे दिए तो अपने 5 मित्रों को दिए। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए श्रावस्ती में, कहाँ दिए श्रावस्ती में दिए, कहाँ दिए थे सर्वाधिक उपदेश, तो ये जो है श्रावस्ती में दिए। और यहीं पर जो है एक ओंगली माल डाकू, क्या नाम था उसका ओंगली माल डाकू, जो था जो सभी के ओंगली को काट लेता था और अपने गले में जो है माला बना करके पहन लेता था, जिसे इन्होंने ही शिक्षा दिए थे। और इनके सबसे प्रिय जो शिष्य थे, इनके सबसे प्रिय शिष्य का नाम था
आनंद, क्या नाम था? आनंद और उपाली, क्या नाम था? आनंद और उपाली। आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को भी, किसे भी? महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में शामिल कर लिए। किसे? महिला को भी बौद्ध धर्म में शामिल कर लिए। इनके शिष्य, सबसे प्रिय शिष्य जो आनंद था, आनंद के कहने पर इन्होंने महिला को भी शामिल कर लिया और कहा कि ये जो अब बौद्ध धर्म है ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अब ये बौद्ध धर्म क्या है? ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बौद्ध धर्म अपनाने वाली अब पहली महिला, बौद्ध धर्म अपनाने वाली जो है पहली महिला, यानी पहली जो फीमेल थी वो कौन सी थी? वो थी गौतमी। क्या नाम था उसका? गौतमी नाम था। और दूसरी जो महिला थी, यानी सेकेंड जो महिला थी, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था अम्रपाली। क्या नाम था? अम्रपाली। यानी पहली महिला बौद्ध धर्म अपनाने वाली गौतमी थी और दूसरी महिला बौद्ध धर्म अपनाने वाली कौन थी? अम्रपाली थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष कौन था? तो ये था तप्तयु। क्या नाम था इसका? तप्तयु तथा मल्ली। कौन था? तप्तयु तथा मल्ली जो था ये पहला बौद्ध धर्म अपनाने वाला मेल था, पुरुष था। अब ये महात्मा बुद्ध जो है, महात्मा ने चार सत्य कथन कहे। कितने सत्य कथन कहे? तो चार जो है आर्य सत्य बताए। इन्होंने कहा कि ये जो संसार है ना, संसार दुख से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? दुखों से भरा हुआ है। यानी ये संसार में आओगे तो दुख बहुत ज़्यादा होगा। और इन्होंने कहा कि हर दुख का क्या है? कोई ना कोई कारण है। यानी कोई भी दुख होगा तो उसके पीछे क्या होगा? कोई ना कोई कारण तो होगा ही, तभी किसी को कोई दुख होता है। और इन्होंने कहा कि सभी दुखों का सबसे बड़ी कारण इच्छा है। क्या है? इच्छा है। इन्होंने कहा कि दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छा। जितना आप तमन्ना करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको क्या होगा? तकलीफ होगा किसी भी चीज़ को पाने में। इन्होंने कहा कि इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? तो इच्छा पर जो है नियंत्रण पाया जा सकता है, यानी इसे जो है काबू किया जा सकता है। तो इनके चार आर्य सत्य कौन कौन से थे? तो इन्होंने कहा कि संसार जो है दुखों से भरा हुआ है, जबकि हर दुखों का कोई ना कोई कारण है, और सभी दुख का कारण क्या है? तो इच्छा है। यानी और चौथा कहा कि इच्छा पर क्या किया जा सकता है? नियंत्रण पाया जा सकता है। इन्होंने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिए। क्या दिए? अष्टांगिक मार्ग। यानी अष्टांगिक मार्ग इनके कितने थे? तो अष्टांगिक मार्ग जो है इनके आठ थे। कितने थे? आठ थे। और आठ थे। और इन्होंने जो है 10 सील दिए। क्या दिए? 10 सील। इन्होंने अपने अनुयायियों को 10 ऐसी बातें करने को मना किया था जिसे सील कहते हैं। क्या कहते हैं? सील। तो सील कितना था? तो सील जो है 10 था। सील कितना था? 10। और इन्होंने 3 दर्शन दिए। कितने दर्शन दिए? 3 दर्शन दिए। कितने दर्शन हैं? तो दर्शन जो है 3 है। इन्होंने कहा कि अनेश्वरवाद, इनका जो पहला दर्शन था उसका नाम क्या था? तो अनेश्वरवाद। क्या नाम था? अनेश्वरवाद। अनेश्वरवाद मतलब कहा है कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी ईश्वर को नहीं माने। और दूसरा दिए कि शून्यवाद, कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, न ही सर्वसत्तामान है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर सत्ता में है तो वो हमेशा सत्ता में नहीं रह सकता है, वो सर्वोपरि नहीं है। और तीसरा कहे कि क्षणिकवाद, किसका सिद्धांत दिए? तो क्षणिकवाद का सिद्धांत दिए। इन्होंने कहा कि संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए है, इनका निवास निश्चित है, अर्थात ये सभी वस्तुएं कैसा है? तो ये सभी वस्तुएं क्षणिक है। और इन्होंने और क्या दिए? तो इन्होंने त्रिरत्न दिए। कितने रत्न दिए? तो त्रिरत्न दिए। एक रत्न था बुद्ध। क्या नाम था? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ इनके त्रिरत्न थे। महात्मा बुद्ध पावापुरी में चंदू नामक शिष्य, क्या नाम था इनके शिष्य के? चंदू नामक शिष्य द्वारा शुक्र मास भोजन में ग्रहण किए। इसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ने लगी और इन्हें डायरिया हो गया। क्या हो गया? डायरिया हो गया। और इनका जो है उत्तर प्रदेश के मल्ल महाजनपद में स्थित कुशीनगर, कौन सा? कुशीनगर में प्राण त्याग दिए। यानी डायरिया के कारण जो है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, कहाँ? कुशीनगर में जो है इन्होंने अपने प्राण को क्या कर दिए? त्याग दिए। इनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थान पर भेजा गया। कहाँ कहाँ भेजा गया? तो 8 जो है अलग अलग स्थान पर। कितने स्थान पर? 8 अलग अलग स्थान पर भेजे गया, जिसे क्या कहा गया? तो जिसे जो है अष्ट महास्थान कहा गया। क्या कहा गया? अष्ट महास्थान कहा गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियाँ किए गए। कितने बौद्ध संगीतियाँ किए गए? तो 4 जो है बौद्ध संगीतियाँ किया गया।
तो देखिए सबसे पहला जो हुआ था ये कब हुआ था, तो ये जो है 483 ईसा पूर्व, कब हुआ था 483 ईसा पूर्व राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये जो है राजगीर में, पहला कहाँ हुआ राजगीर में, और इस समय राजा कौन था, तो राजा जो है अजातशत्रु था। कौन था, अजातशत्रु, और पुरोहित जो था उनका नाम था महाकश्यप। क्या नाम था पुरोहित का, पुरोहित का नाम था महाकश्यप। दूसरा जो हुआ, ये दूसरा हुआ 383 ईसा पूर्व में, कब हुआ 383 ईसा पूर्व, और ये कहाँ हुआ, तो ये जो है वैशाली में हुआ, तो इसे याद रखेंगे वैशाली में। और इस समय जो राजा था उसका नाम था कालाशोक। क्या नाम था, कालाशोक, और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सावक मीर। क्या नाम था, सावक मीर। और तीसरा जो हुआ वो तीसरा हुआ था 255 ईसा पूर्व, कब हुआ था 255 ईसा पूर्व, ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में तीसरा हुआ, और इस समय जो राजा था उसका नाम था अशोक। क्या नाम था, अशोक, और इस समय जो अध्यक्ष था उसका नाम था मोगलिपुत्तिस शिष्य। क्या नाम था, मोगलिपुत्तिस, मोगलिपुत्तिस जो है ये इस समय अध्यक्ष थे। और चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ ये हुआ था प्रथम सदी में, कब हुआ था प्रथम सदी में, और ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ कुंडल वन में। कहाँ हुआ, कुंडल वन में हुआ, और इस समय राजा कौन था, तो इस समय जो राजा है कनिष्क थे। कौन थे, कनिष्क थे, और इसका जो पुरोहित था उस पुरोहित का नाम था वसुमित्र। क्या नाम था, वसुमित्र था, और इसके जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम था अश्वघोष। क्या नाम था, अश्वघोष। अब जैसे ही चौथी बौद्ध संगीति हुआ, कौन सा बौद्ध संगीति हुआ, चौथा बौद्ध संगीति हुआ, बौद्ध धर्म दो भाग में टूट गया। कितने भागों में टूट गया, दो भाग में, एक का नाम था हीनयान, एक का नाम क्या था हीनयान, और दूसरे का नाम था महायान, दूसरे का नाम क्या था महायान। हीनयान जो था यह बौद्ध धर्म, हीनयान जो था यह बौद्ध धर्म के उपदेश में कोई परिवर्तन नहीं करता था। क्या ये परिवर्तन करता था, कोई परिवर्तन नहीं करता था, लेकिन हीनयान जो था ये बौद्ध धर्म के उपदेश के सिचुएशन के अनुसार जो है ये परिवर्तन कर लेता था। क्या कर लेता था, परिवर्तन कर लेता था, जिसके कारण ये जो है दो भाग में टूट गया। कितने भागों में टूट गया, दो भाग में टूट गया, और एक को कहा गया शून्यवाद, एक का एक एक को क्या कहा गया, तो एक को कहा गया शून्यवाद, और एक को कहा गया वर्जयान। एक को क्या कहा गया, शून्यवाद, और एक को कहा गया वर्जयान। क्या कहा गया, वर्जयान। जो ये वर्जयान शाखा बौद्ध धर्म के विनाश का कारण था, जो वर्जयान था ये बौद्ध धर्म का क्या था, विनाश का कारण हो गया, क्योंकि इसमें जो है मदिरा, मूर्ति पूजन, वैश्यावृत्ति की अनुमति दे दी गई, जिसके कारण जो है ये धीरे धीरे क्या हो गया, अपनी विनाश की ओर बढ़ गया। और जैसे शून्यवाद, शून्यवाद जो था, शून्यवाद जो है इसका नागार्जुन, नागार्जुन जो है ये किसे मानता था, तो ये जो है शून्यवाद को मानता था। किसे मानता था, शून्यवाद को। अब ये बौद्ध धर्म से जो है कुछ रिलेटेड चिन्ह भी है। अब देखिए थोड़ा इससे रिलेटेड चिन्ह क्या था, जैसे कि गर्भ, गर्भ को किससे दिखाया गया, तो गर्भ को जो है हाथी से दिखाया गया। किससे दिखाया गया, हाथी। और जन्म, जन्म को किससे दिखाया गया, तो जन्म को जो है कमल के फूल से दिखाया गया। जबकि गृह त्याग, जैसे ही उन्होंने गृह त्याग किए इसे किससे से दिखाया गया, तो इसे जो है घोड़ा से दिखाया गया। किससे दिखाया गया, घोड़ा, या इसी को जो है महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। कहाँ के क्या कहते हैं, तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण, निष्क्रमण कहते हैं। युवा अवस्था, युवा अवस्था को किसके द्वारा दिखाया गया, तो इसे जो है सांड के द्वारा दिखाया गया। जैसे जबकि ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति को किसके द्वारा दिखाया गया, तो ये दिखाया गया है बोधि वृक्ष। कौन सा वृक्ष, बोधि वृक्ष के द्वारा दिखाया गया। और थोड़ा सा कुछ चिन्ह है उसे भी देख लीजिए, जैसे कि इन्होंने उपदेश दिए, तो इन्हें किसके द्वारा दिखाया गया, तो उपदेश को जो है चक्र के द्वारा दिखाया गया। किसके द्वारा दिखाया गया, चक्र के द्वारा। और समृद्धि, समृद्धि को जो है शेर के द्वारा दिखाया गया। किसके द्वारा, शेर के द्वारा दिखाया गया। और निर्माण, निर्माण को किसके द्वारा दिखाया गया, तो निर्वाण को जो है पद चिन्ह के द्वारा दिखाया गया। किसके द्वारा, पद चिन्ह के द्वारा दिखाया गया। और मृत्यु को जो है, मृत्यु को स्तूप के द्वारा दिखाया गया। किसके द्वारा, स्तूप के द्वारा जो है मृत्यु को दिखाया गया था, स्तूप। जबकि इसमें जो है दोनों धर्म में सर्वाधिक जो फेमस धर्म था वो कौन सा था, वो जो है बौद्ध धर्म था। कौन था, बौद्ध धर्म, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो था भाषा बहुत ही आसान था, ये देता था अपना उपदेश जो है
पाली में देता था। किस भाषा में देता था? पाली भय। जबकि इस उस समय का जो है सबसे आसान भाषा कौन था? पाली था। जबकि जैन धर्म जो अपना उपदेश देते थे, महावीर स्वामी जो उपदेश देते थे, वो देते थे प्राकृत भाषा में। किस भाषा में देते थे? प्राकृत भाषा में। जिसके कारण जो है सभी लोग इसे प्रेफर करते थे, किसे? तो बौद्ध धर्म को। और बौद्ध धर्म का जो नियम था वो न ज़्यादा कठोर था और न ही ज़्यादा लचीला, मतलब न ही ज़्यादा सरल था। इसका जो नियम था बहुत ही सरल था, और जैन धर्म का जो नियम था बहुत ज़्यादा कठोर था, जिसके कारण सभी लोग जो है इस धर्म को स्वीकार नहीं करते थे। इस बौद्ध धर्म में जो है राजा का समर्थन बहुत ज़्यादा मिला था, जबकि जैन धर्म में जो है राजाओं का समर्थन बहुत कम मिला था। तो आप लोग को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, और यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।